भाई कसम से क्या गजब का बैकग्राउंड है। एक बार बैकग्राउंड देखो आप, यहाँ पे जो सेल्फी वगैरह ले रहे हो भाई लोग, जरा देखो बैकग्राउंड आप। आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बोलना क्या चाह रहा ना इनडायरेक्टली प्लीज की, मतलब एक ऐसा जगह ना जहाँ आप मतलब पूरे टेंशन वेंशन सारा कुछ छोड़ छाड़ के यार यहाँ पे आओगे ना, पूरा रिलैक्स मूड होगा अंदर। तो हाय हेलो नमस्ते। तो भैया जी बात ऐसा है कि मिला तो हमें सैलरी और अभी तक तुम्हारे भाई ने सेलिब्रेट नहीं किया था अपने सैलरी को, तो आज तुम्हारा भाई आ चुका है सैलरी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने एक दोस्त के साथ। यहाँ पे मेरा प्लीज भाई दोस्त है, बचपन का दोस्त, इसके साथ आया हुआ है भाई। अभी एक ऐसे लोकेशन पाया हुआ हूँ जो कि मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी मस्त लोकेशन है, एक मस्त सा कैफ़े को एक्सप्लोर करने आए हुए हम लोग। कैफ़े का नाम है HBT कैफ़े, अभी आपको दिखाते हैं क्या कैफ़े है, कैसा कैफ़े है अंदर से। ओके तो अभी जिस कैफे में, उस कैफे का नाम है HBT कैफे। और ये कैफे इतना क्यों खास है आपको एक जरा सा लुक दिखाते हैं इस कैफे का, आप जरा देखो लुक क्या है यहाँ पे। ज़्यादा रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल बनाया गया इस कैफे को, मतलब आप यहाँ पे आकर पूरा रिलैक्स कर सकते हो। किसी मतलब अगर आपको पढ़ाई वगैरह भी करना है, किसी साइलेंट मोड चाहिए जहाँ पे अपना खाना भी खा सकते हो, आप एकदम साइलेंट तरीके से पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना मस्त तरीका से मतलब एक लाइब्रेरी टाइप का बना दिया। और यहाँ पे देखो भाई लोग चेस वगैरह भी खेल रहे हैं, अपना खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, खा भी सकते हो, और यहाँ पे एकदम पूरा लाइब्रेरी टाइप का बना रखा है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली। और ये जो मतलब चिलनेस देख रहे हो भाई, इतना ज़्यादा चिल है यहाँ पे आदि, मतलब पूरा रिलैक्सिंग मूड का कैफे है। एक कैफे कम लॉजरी ज़्यादा बोल सकते हो इस जगह को तुम लोग, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर रिलैक्सिंग मूड। और यहाँ पे देखो खेलने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मतलब अगर मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, बुक कर दिया तुमने मतलब कुछ खाना वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है तुम्हें नहीं मिल रहा खेलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, हेडफोन खेल सकते हो वहाँ पे, वो देखो फुटबॉल वाली खेल सकते हो। और यहाँ पे बैकग्राउंड भाई कसम से क्या गजब का बैकग्राउंड है, एक बार बैकग्राउंड देखो आप, यहाँ पे जो सेल्फी वगैरह ले रहे हो भाई लोग, जरा देखो बैकग्राउंड आप। देखो यार किस तरीके का बैकग्राउंड, और मेरा जो दोस्त मेरे साथ है आप सोचेंगे कहाँ पे है मेरा दोस्त, लगा हुआ हेडफोन खेल रहा है अभी, जरा देखिए इसका खेल के दिखा हेडफोन ब्रो, खेले चलो सही है। और आप सोच रहे होंगे ये कैफे का एड्रेस कहाँ पे और ये कैफे किस जगह पे, तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, गूगल का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके इस कैफे का एड्रेस को आप ले सकते हो। और ये जगह खास क्यों, यहाँ पे क्यों आया मैं, यहाँ ये जगह खास इसलिए क्योंकि ये जो है ना कैफे मेरे पर्सनल भाई, मतलब एक समझ लो दोस्त के भाई का कैफे है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैफे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाइए। ये सभी चीज़ें होंगी, डेकोरेशन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, इंटीरियर वगैरह आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके का इंटीरियर यहाँ पे। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, खाना को ऑर्डर करने वाले हैं, खाकर टेस्ट बताने वाले हैं कि यहाँ का खाना कितना वाकई में अच्छा है और कैसा है। इंटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पसंद आया मेरे को, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग इंटीरियर बनाया गया यहाँ पे। तारीफ करते करते मैं थक नहीं रहा हूँ यार, क्योंकि बोलने के जो शब्द होते हैं ना वो नहीं होते, कहीं कुछ अच्छी जगह पे आप चले जाते हो ना तो वहाँ पे मतलब कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे होते आपके पास, वहाँ पे जो चीज़ें दिख रही होती है आपके बैकग्राउंड में वही चीज़ें बता देती कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पे आउटडोर का भी सीन है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पेसियस जगह चाहिए और थोड़ा सा वाइब चाहिए पूरे खुले में बैठ करके आपको खाना वगैरह खाना, तो उसके अभी यहाँ पे व्यवस्था है यार। यहाँ पे देखो किस तरीके से मतलब बैठा, बैठने के लिए जगह दिया गया यहाँ पे, आप देख सकते हो तो खूबसूरत है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा आपको घूमने के लिए ये दिया हुआ है, और इस जगह पर बैठने के लिए दिया हुआ पूरा, आप बाहर भी जा कर के बैठ सकते हो। तो खाना हो चुका था ऑर्डर, और जब तक करते गया भैया, तो आ गए हम फोटो के डेस्टिनेशन पे, करवाए दो तीन फोटो शूट, बहुत धांसू धांसू अच्छे अच्छे फोटो आए हैं, आपको दिखाते हैं।
तो इधर पे फोटो कैसे आया हमारे? गोल हो गया क्या? हाँ भाई गोल, क्या बात, तेरे भाई ने गोल कर दिया। दूसरा। अरे वाह भाई। हमने कहा भैया अब यहाँ आए तो पूरा लुप्त उठा के जाएंगे भैया, जो भी गेम है सारा पूरा खेल के जाएंगे। तो हमने उठा लिया स्टिक और लग गए एट पुल खेलने, क्योंकि खाना का ऑर्डर तो हमने कर दिया था और खाना आने में काफ़ी समय था, तो हम लोगों ने जम के गेम खेले। This is chicken cheese sandwich and this is chicken wings. तो भाई आ गया अपना, यहाँ पे जो ऑर्डर किया था हमने चिकन विंग्स और सैंडविच, और यहाँ पे अभी अपन खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। खाने का मजा तभी आता है जब खाना बनाने वाला आपके सामने बैठा हो और आप उस खाने की तारीफ उसके सामने कर रहे हो। जी हाँ, ये जो ऑरेंज स्ट्राइप में व्यक्ति हमारे पास बैठे हुए हैं बतौर सेफ है इस कैफे के और हमारे प्रिय मित्र के भैया हैं। ओके तो फाइनली अभी भाई लोग ने खाना पीना हो गया हमारा। हम लोग ने चिकन विंग्स ऑर्डर किया था और सैंडविच था, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्रिंस से पूछते हो उसका टेस्ट, उसको कितना पसंद आया? माइंड ब्लोइंग भाई, टेस्ट बहुत अच्छा है भाई। देखो मेरा तो पता नहीं, मैं अच्छा ही बोलूंगा क्योंकि वो मेरे भाई ने बनाया था। असली टेस्ट तो विकास ही बता सकते हैं। सही बात है भाई, क्योंकि इसको भाई ने बनाया था तो ये तो अच्छा बोले, लेकिन मैं तो एक जेन्युइन कस्टमर हूँ यहाँ पे, और यार मुझे यहाँ का टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आया यार। और देख रहे थे तुम लोग यार कितनी जल्दी, मतलब कितने अच्छे से हम लोग खा रहे थे, तुम लोग देखा ही वीडियो में है ना यार। मेरे तरफ से तो यार भाई बहुत सॉलिड कैफे है, बहुत सॉलिड रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आ सकते हो तुम लोग, विजिट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे फिर यहाँ पे जो मेन बात है ना वो फूड नहीं है, वो माहौल है जो यहाँ पे आपको फील होगा ना, अगर वो ये चीज़ नहीं है, आप रिलैक्स महसूस करोगे यहाँ पे। मतलब बोलना क्या चाह रहा ना इनडायरेक्टली प्लीज, की मतलब एक ऐसा जगह ना जहाँ आप मतलब पूरे टेंशन वेंशन सारा कुछ छोड़ छाड़ के यार यहाँ पे आओगे ना, पूरा रिलैक्स मूड होगा। अंदर इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा है इसलिए हम लोग बाहर आए हुए हैं, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाए इसलिए बाहर आकर हम शूट कर रहे हैं। म्यूजिक काफ़ी अच्छा अंदर चल रहा है, और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए बालकनी साइड, जहाँ के मैंने बताया था आपको, आप चाहे तो अंदर भी खा सकते हो या तो फिर बालकनी में आकर अपना इंजॉय कर सकते हो आउटडोर लुक को, है ना। और बाकी बात है थम्सअप की, थम्सअप भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़।